MapMyCrop के ऐप को डाउनलोड करके ओपन करें। इसके बाद अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। इसके बाद न्यू यूजर या नए उपयोगकर्ता के ऑप्शन पर क्लिक करें। दिए गए फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे जमा करें। खाता सक्रिय हो जाने के बाद लॉगिन पेज पर जाकर अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी को भरें और अपना रजिस्टर्ड पासवर्ड दर्ज करें। सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाने के बाद आपके मोबाइल की लोकेशन प्रदान करें। अपना खेत जोड़ने के लिए फार्म जोड़ने पर टैप करें। आगे बढ़ते हुए मार्क फार्म के बटन पर टैप करें। अगर आप अपने खेत पे हैं तो अपने लाइव लोकेशन को ऑन करके आप अपने खेत को मार्क कर सकते हैं। आप चाहें तो सर्च बॉक्स में जाकर अपने लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। आपके लोकेशन को सर्च करने के बाद आपको ये आपके लोकेशन पर पिन मार्क दिखाएगा। इसके बाद जिस भी एरिया में आपका खेत है आप उसे ढूंढ सकते हैं और वहां पर अपने खेत की मार्किंग शुरू कर सकते हैं। अपने खेत की मार्किंग करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए प्लस मार्क पर टैप करें और बताए गए तरीके से अपने खेत की मार्किंग शुरू करें। इन मार्कर्स की मदद से आपका खेत जिस भी आकार का हो आप उन्हें आसानी से मार्क कर सकते हैं। आपके खेत की मार्किंग पूरी हो जाने के बाद सेव के ऑप्शन पर टैप करें। मान लेते हैं कि अगर इस खेत में आपने गेहूं की फसल लगाई है तो कार्य क्षेत्र में गेहूं लिखें। फसल का चयन गेहूं के रूप में करें। अगर आपने 1 नवंबर को बुवाई करी है तो अपनी बुवाई की तारीख को दर्ज करें। सीजन के चयन में जाकर जिस साल में इस फसल को लगाया गया है उसे अंकित करें। सारी जानकारी भर जाने के बाद डेटा सहेजे पर क्लिक करें। फिर से फार्म जोड़े पर जाकर आप अपने अन्य खेतों को भी मैप कर सकते हैं जिनमें आपने विभिन्न प्रकार की फसलें लगाई हुई होती हैं। मान लेते हैं कि अगर आप अपने किसी अन्य खेत को जोड़ना चाहते हैं जहां पर आपने गन्ने की फसल लगाई है तो बताए गए तरीके से अपने खेत की मैपिंग करने के बाद फॉर्म में अपने कार्य क्षेत्र का नाम जोड़ें, फसल को चयनित करें, बुवाई की तारीख डालकर उसके सीजन की तारीख डालें और शिलालेख में अपनी फसल से जुड़ी जानकारी को दर्ज करके सेव कर दें। जोड़े गए सभी खेतों की जानकारी आप मेरे खेत की जानकारी पर टैप करके देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सारे खेतों की लिस्ट यहां दिखाई देगी। जैसे अगर आप अपने गन्ने के खेत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सूची में से आप गन्ने के खेत को चयनित करके अलग अलग मैप के माध्यम से अलग अलग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस मैप में किस रंग द्वारा कौन सी जानकारी दर्शाई जा रही है इसे आप दंत कथा पर टैप करके देख सकते हैं। नीचे मौसम पर टैप करके आप अपने खेत की नमी, बारिश, तापमान और हवा के दबाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फार्म की जानकारी पर टैप करके आप अपने खेत का स्वास्थ्य और मानक उत्पादन के बारे में जान सकते हैं। मान लेते हैं अब आप अपने गेहूं की फसल की जानकारी देखना चाहते हैं तो ड्रॉपडाउन में से गेहूं की फसल को चयन करके नीचे दर्शाए मैप्स के माध्यम से अपनी फसल की विभिन्न जानकारी देख सकते हैं। सबसे नीचे डेटा ऑप्शन पर टैप करके अपने खेत की मिट्टी के तापमान एवं नमी की जानकारी को देख सकते हैं। होम पेज पर आपके द्वारा जोड़े गए विभिन्न खेतों के वर्तमान मौसम का हाल दर्शाया जाता है। इसके अलावा ऐप में रोग सलाहकार, फसल चक्र, स्काउटिंग, फार्म प्लानर, मंडी रेट्स, फसल मार्गदर्शिका, रोग का पता लगाने जैसे कई उपयोगी और भी फीचर्स दिए गए हैं।